नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद यादव और लेके आया हूं एक और वीडियो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। जी हां दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। मुझे 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली मेरी सिचुएशन अभी क्या है, 4 महीने के बाद में मेरा प्रोग्रेस कैसा है और मेरे जो पिछले जो 4 महीने थे उसमें किस तरह से मेरा हेयर का जो चेंजेस होते गए हैं और क्या क्या फेजेस के थ्रू मैं गुजरा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज जो है कम्प्लीटली आप पकड़ के चलिए 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे 2 PRP सेशंस जो है वो हो चुके हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। मेरा पहला PRP ट्रीटमेंट जो था वो हुआ था 3 महीने बाद में और ये भी जो है एक और PRP ट्रीटमेंट मेरा हो चुका है। तो अभी देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हेयर जो है पूरी तरह से नेचुरल ब्लेंड हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। यानी कि जब तक मैं किसी को खुद आके बताता हूँ कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली हो चुका है तो ही उनको यकीन होता है, नहीं तो ऐसा किसी को लगता भी नहीं कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मेरे जो बीच में की जो डेंसिटी थी वो भी कम हो गई थी पहले, तो ये जो है PRP और मेडिकेशन से भी ये जो डेंसिटी ये काफ़ी बढ़ गई है और ये जो हेयर लाइंस जो है मेरे पिछले जो है जैसे ऐसे करूँगा तो यहाँ तक मेरे हेयर लाइन थे, ये सारे के सारे जो है ये इसके आगे के जो हेयर्स है ये सारे ट्रांसप्लांटेड हैं और ये अभी सिर्फ 4 महीने हुए दोस्तों। ये जो है अभी एक्चुअल इनकी ग्रोथ जो है जो अभी शुरू हो गई है और अभी भी आप अगर क्लोथ से देखेंगे, एकदम फोकस करता हूँ मैं, तो आपको समझेगा कि छोटे छोटे हेयर जो है, हेयर फॉलिकल जो है बहुत छोटे छोटे हेयर अभी भी आ रहे हैं कुछ कुछ जगह पे, अभी भी वो मतलब रूट्स जो है वो अभी भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ विकास सर की जो टेक्निक्स है उसके वजह से और उसके वजह से मुझे जो रिजल्ट्स जो है बहुत ही बढ़िया मिले हैं। और देखिए दोस्तों, ये सिर्फ 4 महीने की रिजल्ट्स है, होप करता हूँ इससे भी बढ़िया रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे। बताऊँ दोस्तों कि आप कोई भी वीडियो निकाल के देखिए नेट पे की हेयर ट्रांसप्लांट की और चेक कर लीजिए 4 मंथ्स के जो रिजल्ट्स हैं और मेरे हेयर के रिजल्ट्स आप कंपेयर कर लीजिए। और एक चीज़ देखिए दोस्तों कि जिनका भी आप हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ वीडियो देखेंगे आपको पहले नोटिस में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है, कि आगे के जो हेयर्स हैं थोड़े वियर्ड लगते हैं। लेकिन मेरे केस में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं लगता है मुझे, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो किसी को पता भी नहीं चलता है मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है और मैं बताता भी नहीं किसी को जल्दी से कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस है और जो मेरा लुक है वो अभी तो इम्प्रूव होना शुरू हुआ है, जब ये पूरे के पूरे आ जाएंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। और होप्स हो कि जल्दी वो 6 महीने 9 महीने तक जो है पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसी के साथ में मेरे PRP और ट्रीटमेंट्स भी चालू हैं और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। आज 4 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद में एक्चुअली ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अगर मैंने ये पहले कर दिया होता तो और भी अच्छा होता। लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, ये जो भी रिजल्ट्स है, जो अनडिटेक्टेबल रिजल्ट्स है, आप अगर क्लोज भी जाके देखेंगे कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में पिंपल्स लगते हैं, ऐसा ऐसा लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेड है, नकली बाल लगते हैं, तो होल्स दिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरे केस में तो भी एटलीस्ट नहीं है, बिकॉज जो विकास पंत्री सर की जो टेक्निक्स है, उन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ की थी, जो स्पेशल उनके टेक्निक्स है जो वो यूज़ करते हैं उनके पेशेंट्स पे, जो रिजल्ट्स मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। मतलब ये जो लुक है या फिर मैं कहूँ कि अनडिटेक्टेबल जो ट्रांसप्लांट है, नो स्कार्स, बिल्कुल नो, कोई भी स्कार नहीं है। और आप चाहे तो पीछे भी देख सकते हैं, पीछे मेरे डोनर एरिया से मतलब लगता भी नहीं है कि मेरे कुछ हेयर्स यहाँ से निकाले हैं, कहीं पे भी कोई चांस नहीं है। अभी ये मेरा सेकंड टाइम है अभी मैं हेयर कट करने वाला हूँ, यानी कि अभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप हेयर कट कर सकते हैं। पहले एक बार मैंने किए थे क्योंकि मेरे पीछे के बाल ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अभी मैं आगे के भी थोड़े जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है थोड़े बड़े हुए हैं तो मैं अभी एक हेयर कट करने वाला हूँ और जो विद इन 3 to 4 months मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि और डेंस मेरे हेयर हो। और अगर आपने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे वो लिंक है जहाँ पे मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कैसे हुआ था और क्या क्या प्रोसेस थ्रू मुझे गुजरना पड़ा था। और चलिए अभी बात करते हैं मेडिकेशंस की।
बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि मेडिकेशंस कैसे होते हैं। अभी मेरे 3 मंथ्स के बाद में मेरे मेडिकेशंस भी चेंज होने वाले हैं, बिकॉज 3 मंथ्स होने तक मैंने कम्प्लीटली मेरा फिनेक्स जो है, फिनेस्टेड्राइन जो है, मेरा कम्प्लीट हो चुका है 3 मंथ्स का कोर्स, जो अभी चेंज होगा। अभी मुझे डॉक्टर जो है मेडिसिन चेंज करके देंगे, उसमें मुझे 100 पलमेटो के जो मेडिसिन होते हैं वो देंगे, जिसकी वजह से मेरे हेयर जो है जो और डेंसिटी और जो थिक हो जाएगी, और जो न्यू ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो भी ज़्यादा थिक हो जाएंगे। और रही बात मिनी ऑक्सीडिल की, तो अभी मिनी ऑक्सीडिल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एबॉट कंपनी का, जिसका मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा रहा हूँ, जो है अल्कोहल फ्री है पूरी तरह से। उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि पहले मैं जो यूज़ करता था मिनी ऑक्सीडिल, उसमें अल्कोहल होता था, थोड़ा इचिंग का प्रॉब्लम मुझे होता था। तो फिर उसके बाद में मैंने शिफ्ट किया मिनी ऑक्सीडिल को, ये अल्कोहल फ्री मिनी ऑक्सीडिल है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मुझे इचिंग बिल्कुल नहीं होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एप्लीकेशन में भी बहुत अच्छा है, मतलब पहले क्या होता था अल्कोहल वाला जो है जब तक मैं लगा दूँ कि वो इवाप्रेट हो जाता था, लेकिन ये जो है ये ऑयल बेस में है तो वो इवाप्रेशन की प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है अभी बिल्कुल भी, और ये बहुत ही सही लग रहा है, यूज़ कर रहा हूँ इसको कंटिन्यूसली। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि फिनेक्स जो है, फिनेस्टेडाइन जो है, उसको यूज़ करने से जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, किसी किसी को मतलब स्पर्म काउंट कम होता है, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे लोगों ने कहा था। तो मेरी बात सुनिए दोस्तों, ये तब होता है जब आप जो फिनेक्स है उसको, मतलब जो मेडिसिन है प्रिस्क्रिप्शन, उसको अगर आप एक एक साल तक लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, वो भी चांसेस होते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं कि होगा ही। जो डॉक्टर जो है वो ऐसे तो नहीं है, उनको भी पता होता है कि किस मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मैंने टोटल चार महीने हो चुके हैं, मेरी जो फिनेक्स है वो जो थोड़ी लेट चालू हुई थी, मेरी ऑलमोस्ट 1 महीना लेट मैंने शुरू की थी, तो अभी मेरे 3 महीने का जो फिनेक्स का कोर्स है वो कम्प्लीट हो चुका है, और डॉक्टर ने मुझे बोला है, विकास सर ने, कि अभी वो डिसकंटिन्यू करेंगे और दूसरी मेडिसिन चालू करेंगे। तो ये 3 महीने मैंने लिया तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम, मुझे साइड इफ़ेक्ट कोई भी नज़र नहीं आया है, और उससे हुआ है तो बेनिफिट हुआ है। मेरे जो हेयर से वो पहले से आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, थिक भी ज़्यादा हुए हैं और ग्रोथ भी मेरी ज़्यादा बढ़ी है, बिकॉज वो DHT जो है वो उसने बराबर से ब्लॉक किया हुआ है। तो रही बात फिनेक्स की, तो कहा जाता है कि अगर फिनेक्स जो है 100% जो है DHT को इनहिबिट करता है, यानी कि ब्लॉक करता है, जिससे आपकी हेयर फॉल जो है वो बंद हो जाती है और आपके हेयर जो है वो थिक हो जाते हैं, और नए जो हेयर आपने ट्रांसप्लांट किए उसको ग्रोथ होने के लिए जो समय चाहिए, DHT से इम्यून होने के लिए जो समय चाहिए, वो हम लोग इस मेडिसिन से देते हैं। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने फिनेक्स लेना है, उसके बाद में जो है वो डॉक्टर शिफ्ट कर देते हैं। अभी मुझे डॉक्टर 100 पलमेटो की जो मेडिसिन है उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। 100 पलमेटो इज़ ऑल्सो अ DHT ब्लॉकर, बट फिनेक्स जो है वो ऐसे पकड़ के चलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उससे थोड़ा कम पावर का आप 100 पलमेटो कर लीजिए जो होता है, उसके बाद में धीरे धीरे उसको डिसकंटिन्यू करते हैं, बिकॉज एकदम से डिसकंटिन्यू करेंगे तो भी दिक्कत होती है। तो ये जो मेडिसिन है ये मिनिमम 3 मंथ्स के गैप के बाद में चेंज होते हैं, अगर कोई प्रॉपर डॉक्टर होगा वही ये सजेस्ट करेगा, जिनको पता होता है कैसे प्रिस्क्राइब करना है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, और छोटी छोटी बातें जो हम लोग PRP सेशंस को जाते हैं उसके साथ में जो लेज़र ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो उससे भी बहुत बेनिफिट होता है हेयर के ग्रोथ के लिए। और शैम्पू जो है, मुझे सर ने अभी एक नया शैम्पू दिया है, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मतलब उससे जो हेयर ग्रोथ है उसको भी बहुत बेनिफिशियल होता है। रोज़ शैम्पू करता हूँ मैं, बिकॉज हेयर को जो है, हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर को है, उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं शैम्पू का भी इमेज यहाँ पे रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये शैम्पू इज़ द बेस्ट शैम्पू आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, बिकॉज आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू नहीं यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट आपके हेयर को स्ट्रेंथन होने तक, यानी कि जब तक 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो सकते हैं, उसके बाद में जो है आप हेवी केमिकल्स के शैम्पू अगर ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, बिकॉज जो हेयर जो होते हैं अभी ये बेबी हेयर जैसे सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उन्हें डैमेज जल्दी हो सकता है, तो 1 साल तक हमें वेट करना पड़ता है पूरी तरह से हेयर को नॉर्मल होने के लिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, 4 महीने के बाद में क्या क्या होता है, कैसे होता है, अगर आप चाहते हैं तो आप कोई भी वीडियो चेक कर लीजिए कि कैसे रिजल्ट्स होते हैं और कितना डिफरेंस होता है,
किसी के भी आप YouTube के वीडियो को चेक कर लीजिएगा, 4 months का रिजल्ट या 3 months का रिजल्ट, 6 months का रिजल्ट और मेरा रिजल्ट, और आपको डिफरेंस बिल्कुल पता चलेगा कि मेरे हेयर लाइन जो है बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा लगता नहीं है कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेड है। और हैट्स ऑफ टू विकास मंत्री सर। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, कुछ भी करना हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए, मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको हमेशा, आपको रिक्वेस्ट है मेरी, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको प्राइस जाननी हो, कॉस्ट जाननी हो, जो भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पर्सनली बताऊँगा कि क्या होता है, कैसा होता है। और थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर और गुड डे।